टाइप टू पे पेस्ट, और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। से नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लिया उसने बोला कि ये सब निकालो, 17C0 अपॉन 1 × 2 × 3 × 4⁵ माइनस 17C1 × 2 × 3 × 4 × 4⁵ प्लस 17C2 upon 3 4 5 4⁵ माइनस एंड सो ऑन, मतलब ये सब निकालना है। तो फिर सॉल्यूशन लिखा, पहले तो वही गिवन सम सिग्मा 17C0, सॉरी 17CR, एंड डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, R+1 R+2 R+3, और यहाँ लिख लिया R = 0 से 17 तक। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है तो उसकी वजह से आ गया, ये आ गया -1⁵। फिर एक 4 पे पावर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से आ गया 4⁵। पावर को देखा, 5 2 7 2 9, तो दो दो चेंज हो रहा है तो 2R, और पहले टर्म में पावर कितना है 5, तो ये 0 रखने पे 5 चाहिए, तो 0 रखने पे ये तो 0 ही आएगा, बट 5 चाहिए तो +5, इतना हो गया ये। ठीक है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूँ तो मेरे को क्या क्या पता लगेगा। पहला चीज़ तो अगर ये आर है और नीचे एक ज़्यादा है R+1, फिर उससे एक ज़्यादा, फिर उससे एक ज़्यादा, कम नहीं होना चाहिए, ये तीन टर्म प्रेजेंट है, तो उससे हमें पता लगेगा NCR upon R+1 वाला फॉर्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, एक टर्म ऐसा भी है जिसके पावर में आ रहा है, तो उसका मतलब है कि ये डायरेक्टली बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम वगैरह से नहीं होगा, ये 1+x में x की जगह मेरे को कुछ 4 का कोई पावर रखना पड़ेगा, तब जाके आएगा। ठीक है, ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा, -1⁵R क्या बता रहा है कि 1+x की बजाय 1 - x टाइप चीज़ आएगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, शुरू किया 0 से लेकर 17, -1⁵R × 17CR upon R+1, इस पे पहली बार फॉर्मूला लगेगा, तो उससे ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला मेरे ख्याल से अभी रटा होना चाहिए अच्छी तरह। अगर ये फॉर्मूला लगाया तो उससे ये कितना हो जाएगा, 18CR+1 हो जाएगा, और एक डिनोमिनेटर में 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर 18CR+1 और ये R+2 हो गया तो फिर एक बार फॉर्मूला लग जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 19CR+2, फिर R+2 और उससे एक ये ज़्यादा, फिर एक बार फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा 20। 3 बार फॉर्मूला लगा गया, 17 के बाद 18 हुआ, 19 हुआ 20 हुआ लास्ट बार, तो 20C पहले R+1 हुआ, R+2 हुआ, फिर R+3 हुआ, और नीचे सबसे आखिर में 20 उतरेगा, उससे पहले 19 उतरेगा, उससे पहले 18 उतरेगा, × 4⁵ 2R+5, ये हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट, वी वांट के ऐसे होना चाहिए NCR समथिंग रेस्ट पार, इस तरह का फॉर्म बनना चाहिए। तो ये तीनों तो कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल दिया, तो अपॉन में 18 × 19 × 20 ये बाहर गया, सिग्मा 20C R+3। ये ठीक है, अगर यहाँ R+3 है तो मेरे को यहाँ समथिंग रेस्ट पर R+3 चाहिए, तो चलो पहले हमने लिख दिया, फिर हमने ये देखा -1⁵R, तो इसको ऐसे लिख लिया -1⁵R+3, तो इसमें -1⁵R तो ये आ जाएगा, और एक -1⁵3 फालतू आ गया, तो -1⁵3 फालतू आने से क्या हो गया कि एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, -1⁵3 इज़ नथिंग बट -1, तो वो जो -1 एक्स्ट्रा आ गया उसको नलीफाई करने के लिए हमने एक यहाँ -1 लिख लिया। ठीक है, फिर लिखा है 4⁵2R+5, इस 5 को तो कुछ भी नहीं, हम इसको 4 × 4⁵ करके अलग हटा सकते हैं,
और अगर कभी भी ऐसे लिखाओ 5 raised to power 3 r और मेरे को r चाहिए, तो ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे r प्लस 3 लिखा है, तो मैंने क्या किया, पहले तो ऐसे कर दिया 4 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, फिर एडजस्ट कर दिया बाकी। आर प्लस 3 को जब 4 स्क्वायर पर रेज करोगे तो 2 r + 6 आएगा, ठीक है। ये 2 r से ही मल्टीप्लाई होगा, ये 2 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 2 r तो मेरे को चाहिए, वो तो यहाँ पे इस 2 r को देख के हमने 2 ये अंदर लिखा, 5 तो अब बाद में एडजस्ट करते रहेंगे। अगर यहाँ 3 r होता तो मैं अंदर 3 लिखता, ठीक है। तो 2 r + 6 ये तो एडजस्ट हो ही गया, उसको देख के तो ये लिखा ही था, तो एडजस्ट तो होना ही था। और एक +6 आया, जबकि मेरे को +5 चाहिए, तो +5 चाहिए, उसका मतलब क्या है कि 4 raised to power 5 लिखा है यहाँ तो, और मेरा जनरेट हो गया 4 raised to power 6, एक 4 ज़्यादा आ गया, तो उस 4 को नलीफाई करने के लिए एक 1/4 ऐसे हो गया, ठीक है। आर इज इक्वल टू 0 से 17, ये हो गया, ठीक है। तो अब जो यहाँ ये पावर है वो ये पावर है, तो ये हमारा एक्स का काम कर रहा है, ये हमारा एन का काम कर रहा है, 1 + x raised to power n में। सो दिस इज -1/18 × 19 × 20 × 4, ये तो अलग हो गया। और अंदर क्या हुआ, ये तो एक्स और एन का काम कर रहा है, वो तो सही है, बट फिर लोअर लिमिट कहाँ से शुरू हुआ? अगर मैंने आर का वैल्यू इसमें 0 रखा तो एक कहाँ से शुरू हुआ, 3 से। और आर का वैल्यू अगर मैंने 17 रखा तो एक कहाँ तक गया, 20 तक, तो 3 से 20 तक गया। तो वो तो हमने बोला ही था कि 3 बार अगर हमने फॉर्मूला लगाया, और ओरिजिनली अगर आर 0 से जा रहा है तो 3 टर्म कम आएगा, तो इसमें ये लोअर सबस्क्रिप्ट 3 से शुरू हुआ है, उसका मतलब क्या है, 0 वाला टर्म, 1 वाला टर्म एंड 2 वाला टर्म, ये 3 टर्म मिसिंग है। कोई बात नहीं, पूरा सम लिख दो, जो जो टर्म मिसिंग है वो आगे से घटा दिए। पूरा सम तो ऐसे लिखा रहेगा 1 + x, तो x यहाँ पे ये कितना हो गया, -16, तो -16 ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। raised to power n ये होता है 20, raised to power 20, ये तो हो गया अगर सारे टर्म्स हैं तो, बट इसमें जो टर्म मिसिंग है उनको घटा दिया आगे। तो कौन सा टर्म मिसिंग है, एक तो ये r+3 का वैल्यू जब 0 होगा तो वो वाला टर्म मिसिंग है, तो 20c0 -16 raised to power 0 ये मिसिंग है, तो इसको घटा दिया, माइनस तो बाहर ले लिया, +20c1 into -16 raised to power 1 ये भी मिसिंग था, +20c2 -16 raised to power 2 ये भी मिसिंग था, ऐसे समान, ठीक है। तो फाइनली दिस इज -1/18 into 19 into 20 into 4, ये -15 आएगा, बट इवन पावर है तो उसको लिख दिया हमने 15 raised to power 20 माइनस, अब ये तो कितना हो, ये भी 1 ये भी 1, तो ये तो 1 हो गया, ये 20 हो जाएगा, और ये 16 हो गया माइनस के साथ, तो ये तो हो गया -20 × 16, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20c2 कितना होगा, 20 × 19/2 × 16 का स्क्वायर 256, ये हो गया आंसर। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली बाई चांस वैसे JEE में आ भी सकता है, जो कैलकुलेशन है वो इतनी ज़्यादा आएंगी नहीं। हमने तो ऐसी इलस्ट्रेट करने के लिए जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके यहाँ डिनोमिनेटर में ऐसे 3 3 टर्म ले लिए, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो गया। अगर मैं 2 टर्म लूँगा तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा, 3 चार, मतलब इसमें क्या होगा, 2 टर्म लेने पर एक तो ये ख़त्म हो जाएगा, एक टर्म ख़त्म हो जाएगा, एक यहाँ पे भी टर्म खत्म हो जाएगा शुरू में यहाँ पे। अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म लेंगे तो और भी टर्म कम हो जाएंगे। इसे तो मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर लेना अपने आप, 18 19 एंड 80 लिख दिया, चलो इसको मिला के ना, और 15 raised to power 20, फिर -1 + 3 20, और ये से 10 हो जाएगा, -190 × 256, ये आंसर हो गया, ये कैलकुलेट कर लिए, ठीक है।